दोस्तों हमारे प्यारे यूट्यूबर क्रेजी XYZ यूट्यूब पर हमेशा धमाल वाले वीडियो लाते रहते हैं। ऐसी हाल ही के एक वीडियो में उन्होंने सैंडो फ्रूट की मदद से कॉटन कैंडी बनाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने 1000 सैंडो फ्रूट लाए और फिर उस पर लगे रैपर को हटा दिए। फिर उस सैंडो फ्रूट को फोड़ करके उसके अंदर से सिरप को निकाल करके एक प्लास्टिक कंटेनर में रख देते हैं। जब तक ये लोग सैंडो फ्रूट से सिरप को निकाल रहे तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। तकरीबन 2 घंटा लगातार अपनी टीम की मदद से 1000 सैंडो फ्रूट के अंदर से सिरप को निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने कढ़ाई को लिया, फिर उसको गर्म करके उसमें थोड़ा पानी डाल दिया। उसके बाद सिरप को कढ़ाई में डाल देते हैं, फिर उसमें 2-4 चम्मच चीनी भी डाल देते हैं। तकरीबन 5 मिनट तक उसको आग पर गर्म किए, फिर वो गाढ़ा हो जाता है तो उसे गैस चूल्हा से उतार देते हैं। फिर उन्होंने एक छलनी की मदद से थोड़ा सा कॉटन कैंडी मशीन में उसको डाल देते हैं। ये डालते ही कॉटन कैंडी बनने लगती है, फिर ये लोग उस कॉटन कैंडी को खाते हैं। आपको कैसी लगी सैंडो फ्रूट से बनी ये कॉटन कैंडी की वीडियो कमेंट में जरूर बताएं।